तो आपके साथ जिंदगी में कभी भी ऐसा हुआ है कि आप एक बहुत अच्छे वाइब में जा रहे हो एंड आपकी वाइब को एक खराब कर दे, बट देन ऑल्सो यू कंटिन्यू बिकॉज यू हैव दैट हैबिट। वेलकम बैक टू द व्लॉग, आई होप यू आर डूइंग गुड। फाइनली थ्रू द स्कम की हाउ मच मनी आई मेक फ्रॉम यूट्यूब। तो गाइज, ये व्लॉग शुरू करने से पहले एक रिमाइंडर आप लोगों को मैंने गिव अवे रखा था, वो 20 जून को जो है इसका विनर जो है मैं इंस्टाग्राम पे अनाउंस करूंगा, वो गिव अवे के इंस्ट्रक्शंस डिस्क्रिप्शन में है एंड दिस इज द फोटो ऑफ द गिव अवे। एंड अभी जाके जो है पार्टिसिपेट करो एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। तो लास्ट राइड में आने के बाद माई माइंड वॉज फीलिंग सो रिफ्रेश्ड एंड एक मुझे इसकी बहुत सी एक ज़रूरत थी, इसलिए जो है मैं गया। एंड हर एक घर में मींस हर एक जो पुराने ज़माने के घर होते हैं, मींस पुराने ज़माने के इतना तो नहीं बोल सकता, बट हर एक घर में जो है यू कैन सी राइट हियर पाने विंडो एसी तो भाई होते ही होते हैं एंड दीज आर जस्ट गेम चेंजर। ये जितना ठंडा करते हैं ना बॉस, इतना तो स्प्लिट एसी भी जो है वो इतना ठंडा नहीं कर सकता है। मेरा डाइट, मेरा वर्कआउट, मेरा स्लीप शेड्यूल इट्स सो ऑन पॉइंट, आई जस्ट वांट डोंट वांट टू स्टॉप। एज यू कैन सी राइट हियर इट्स 9 AM इन द मॉर्निंग एंड आधे घंटे पहले जो है मैं उठा एंड फ्रेश व्रेश हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपकी स्लीप साइकिल जो है वो ठीक हो जाती है तो आप जल्दी सो के जल्दी उठने का मज़ा ही कुछ और। इट्स लाइक इसको एक नशा बोल सकते हैं। तो गाइज, मैं आप लोगों को एक मेरे दादू की एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो दिखाना चाहता हूँ। यू कैन सी राइट हियर, ये लॉर्ड्स की कैप है, रीड लाइक लॉज द होम ऑफ क्रिकेट। ये जब उधर क्रिकेट का मैच देखने गए थे, मैं तो इतना इंटरेस्टेड हूँ नहीं क्रिकेट में, लाइक आई पर्सनली लाइक टू प्ले बट आई डोंट लाइक टू वॉच बट दिस इज द OG कैप ऑफ लॉर्ड्स। इंटरेस्टिंग राइट। तो भाई आई एम ऑल फ्रेश एंड रेडी टू गो फॉर वर्क रियली। आई मीन संडे को तू काम पे जा रहा है भाई? आई हैव माई पेंडिंग वर्क टू डू, लाइक जो काम बाकी है ऑब्वियसली वो तो करना ही पड़ेगा। एंड आई नो आप लोग सोच रहे हो कि बियर्ड जो है वो बहुत बढ़ गई है, दाढ़ी आज या कल मैं जो वो ट्रिम करवाऊंगा जैसे वो अपॉइंटमेंट देता है मेरे को मेरा बार-बार फिर। तो भाई अगर आप मेरे चैनल में नए व्यूअर हैं तो अभी के अभी जाके जो है सब्सक्राइब करो। आई एम अ लाइफस्टाइल ब्लॉगर फ्रॉम जामनगर गुजरात एंड अगर आपको फैशन ब्लॉगर एंड मोटो ब्लॉगर एज वेल एंड ट्रैवल भी आप बोल सकते, बिकॉज आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग जगह पर जो है वो मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। जैसे ही सिचुएशन जो है वो ठीक होती है, बिकॉज देखो अभी जैसे सिचुएशन ठीक हुई थोड़ी बहुत तो मैं राइड पे गया, ऑब्वियसली सिचुएशन देख के जाऊँगा, ऐसा नहीं कि कंटेंट बनाने के लिए कुछ भी कहीं भी घुसा दो अपने आप को। तो मुझे आप लोगों से सिर्फ एक ही एक कंप्लेन है कि आप मेरे ब्लॉग्स में कमेंट नहीं करते हो, एंगेजमेंट नहीं दिखाते हो। जो लोग व्लॉग देखते हैं मीन्स 40% लोग जो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई 40% लोग प्लीज सब्सक्राइब करो, बिकॉज आने वाले मीन्स बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है वो आने वाला। लोगों से मुझे एक जल्दी वाला सजेशन चाहिए कि मुझे फ़ोन में ब्लॉग करना चाहिए। देखो भाई स्टार्ट मैंने फ़ोन में किया था ब्लॉगिंग करना एंड देन आई शिफ्टेड टू नाइकॉन, बिकॉज नाइकॉन वो मेरे पास जो है वो DSLR वो वीडियो के लिए जो है वो नहीं बना है, इट्स द मेन रीज़न अबाउट दैट। एंड प्लीज़ अभी के अभी जाके जो है वो मेरे को सजेस्ट कीजिए कि मेरे को कौन सा कैमरा लेना चाहिए, मींस कौन सा कैमरा। इट्स गोना बी अ फुल फ्रेम कैमरा, दैट मच आई नो। एंड इस व्लॉग को जो है अपन फ़ोन में ही शूट करेंगे बिकॉज फ्लेक्सिबल है ज़्यादा इसलिए। एंड अभी का जो वेदर है इट्स गोना बी रियली रियली हेजी एंड आई जस्ट लव दिस वेदर। तो भाई आई एम कन्फ्यूज कि कौन सी काम पे लेके जाऊँ, बर्गमैन BM तो नहीं लेके जाने वाला ऑफकोर्स मैं, एंड दैट्स द थिंग दैट। ओके सो आई डिसाइडेड लेट्स टेक द बर्गमैन आउट, यू कैन सी ब्लैक कलर है तो धूप में से एंड सब। आज मुन्ना भाई लाइट नहीं है, नोटिस है ना? नोटिस क्या नोटिस आई है? बस ये आधा दिन नहीं होगा लाइट, आधा दिन लाइट नहीं होगी 12 बजे के बाद। ओ भाई परेशान हो जाएंगे, 7:30 बजे की गई है। ओह, और मुन्ना भाई की चाय की चुस्की मारेंगे। तो भाई जैसे कि आप सबको पता है कि मैं कहीं भी जो है कंफर्टेबल हूँ कंटेंट एंड ब्लॉग शूट करने के लिए, बट इट्स जस्ट दैट कि काम आई डोंट वांट टू डिवाइड थिंग्स अप, काम एंड ब्लॉग मैं कर सकता हूँ, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो दिखा सकता हूँ, बट मैंने आपको इसलिए बोला कि एक अच्छे कैमरे के लिए एक आपको एक अच्छी क्वालिटी मिले, दैट इज द मेन थिंग।
मुन्ना भाई कुछ बोलना चाहते हैं क्या? बोलना चाहते मुन्ना भाई बोलो। संडे वाली चाहिए, संडे की स्पेशल चाय, संडे स्पेशल। इट्स सो हॉट इन जामनगर राइट नाउ, यू कांट बिलीव। यू नो मैंने आपको अपने लास्ट शॉट में देखा कि लाइट थी नहीं बिल्कुल भी। आई जस्ट यू नो लाइक काम जल्दी जल्दी वो खत्म किया एंड देन आई जस्ट रश्ड होम। एंड उसमें मेरा जो एक है एक पार्सल आया है इट हियर। पार्सल जो है यू कैन सी, ठीक है यू कैन सी राइट हियर। इसमें अपन यू नो आई जस्ट बॉट बर्गमैन राइट ब्लैक मेट कलर। उस वो मेट कलर प्रोटेक्ट करने के लिए मींस उसको यू नो लाइक लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए यू नो एक ये माइक्रोफाइबर क्लोथ, उसके बाद ये फ्री आ रहा था, मैंने सोचा ये मंगवा लूँ। यू कैन सी राइट हियर वेवेक्स का कोई है एनहेंसमेंट, पता नहीं इसको यूज़ करके जो है बताऊँगा कि कैसा है कैसा नहीं है। मैंने आप लोगों को ना मेरे बारे में एक फन फैक्ट नहीं बताया, मीन्स आज तक मैंने वो कभी मेरे ब्लॉग में जो है वो जिक्र नहीं किया इसके बारे में। एंड वो है कि आई एम अ बिग 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 फैशन एंथुजियास्ट एंड यू नो लाइक इतना मैं ऑब्सेस्ड था, अभी नहीं हूँ, था डिस्क्लेमर था। यू नो मेरे डिलीवरी देने आ रहा था घर पे, ये मीन्स उन्होंने लाइक हर एक बंदा जो है वो जान चुका था कि मेरा एड्रेस क्या है क्या नहीं है, इतना जो है वो मैं मंगवा जाता है। इसलिए आई पर्सनली अवॉइड गोइंग टू मॉल्स, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं मॉल में जाऊंगा तो मैं कुछ ना कुछ तो है वो उधर परचेस कर ही लूँगा, नो मैटर व्हाट आई विल परचेस। कभी कभी मेरे घर वाले ना इतना परेशान हो जाते कि भाई तू देख ये थोड़ा लिमिट में कर, मत मंगवा ये सब मत कर। बट यू नो इट्स लाइक यू नो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ वेस्ट वेस्ट करता, इट्स जस्ट आई वॉज ऑब्सेस्ड बाई शॉपिंग। उसको बोलते ना कि शॉपिंग शॉपोहोलिक उसको बोलते हैं, ये ऐसा मैं हो चुका था। पहले की बात है, अभी की नहीं है, वो ये सब जो है आदत छूट गई है। अभी जो एग्जाम्पल ने एक टी शर्ट पहनकर जो है पूरी जिंदगी जो है वो निकाल सकते हैं, मीन्स ऐसा माइंड सेट हो गया है लॉकडाउन के बाद। तो भाई इट्स ऑलमोस्ट इवनिंग एंड यू नो एक यूट्यूबर कितना स्ट्रगल करता है एक अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने के लिए, जस्ट एज यू कैन सी राइट हियर। वो तो आप देख ही लोगे थंबनेल में, बस इतना ही मैं दिखा सकता हूँ, वो भी अप्पा की थंबनेल में देख लेना। तो आपको है ना अंदर से एक फील आती है जब आप यू नो एक लग्जरी गाड़ी में बैठते हैं, यू नो एक एक पैसा जो है इसमें ये मर्सिडीज ब्रांड जर्मन ब्रांड में जो है वसूल है। यू कैन सी राइट हियर कॉकपिट फिनिशिंग जो है एकदम ऑन पॉइंट है सब कुछ। तो गाइज अब जो है हम लोग जो है डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, द टाइटल विच यू हैव क्लिक्ड फॉर एंड जिस वीडियो के लिए जो आप इधर आए हैं उसके बारे में जो अपन जो है थोड़ी बहुत जो है वो गुफ्तगु करेंगे। तो द रीज़न आई चूज दिस प्लेस इट्स बिकॉज कि यू नो आपको भी एक फील आए एंड आपको यू नो लाइक ऐसे अलग अलग बैकग्राउंड में जो आपको यू नो एक फील आए इन शॉर्ट कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो गाइज द फाइनली ट्रूथ हैज कम कि हाउ मच मनी आई मेक from YouTube and how rich I am from YouTube, that's the main thing you know. So guys title ke hisab se how YouTube is making me rich mudda wo hai. First of all YouTube is not paying me a single penny as of now, but after channel mera jo hai monetize ho jayega uske baad I will be paid, but abhi jitne bhi main investments kar raha hu मीन्स जो भी आप खर्चा देख रहे हो इट्स ऑल ऑन मी। तो भाई अभी जो मैं जगह पे आया हूँ आई थिंक उधर कुछ जो है फंक्शन चल रहा है, यू कैन सी राइट हियर एंड द वेदर इज हैज जस्ट बिकम ऑसम, यू कैन सी ऑल दैट स्टफ। अभी आई थिंक मैं ऊपर जाऊँगा बिकॉज यू नो आई डोंट वांट टू गेट डिस्टर्ब्ड व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू गाइस। तो गाइस यूट्यूब इज मेकिंग मी रिच, हाउ अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। इट इज मेकिंग मी रिच इन एक्सपीरियंसिस, मेरा माइंडसेट जो है वो रिच हो रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो पब्लिक में बढ़ रहा है। मींस जैसे जैसे फ़ायदे होते जा रहे हैं मेरे को यूट्यूब पे से, ऐसे ऐसे मैं आपको ना बता रहा हूँ। आप लोग अगर मेरे पहले के ब्लॉग देखोगे अभी के ब्लॉग देखोगे तो आपको मैसिव डिफरेंस दिखेगा एंड दैट्स द मेन थिंग आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इसमें जो कुछ भी अभी तक के इन्वेस्टमेंट्स है वो सब मेरे इन्वेस्टमेंट्स है, एक भी पैसा जो है वो YouTube से नहीं आया है। तो द मेन थिंग इज दैट कि अब हम कंटेंट क्रिएटर इतना यू नो मशगूल हो जाते हैं क्रिएट करने में कंटेंट कि आप वो भूल जाते हैं कि अपन कितना ना स्ट्रगल करते हैं एंड अपना जेब जो है वो खाली हो जाती है। दैट्स जस्ट अ जोक।
द मेन थिंग इज आप कंटेंट को है वो सपोर्ट कीजिए. दैट्स व्हाट आई वांट एंड आई माइट स्टार्ट डेली व्लॉगिंग. कमेंट करो. तो गाइज आज के लिए बस इतने ही रखते हैं. इट वॉज अ वेरी वेरी शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग एक्सप्लेनिंग यू कि कैसा सिस्टम चलता है एंड क्या नहीं चलता है, ताकि आप लोग यू नो एक सपोर्ट करें. दैट्स द मेन थिंग. जो भी इन्वेस्टमेंट जो भी खर्च होता है वो अपने आप से वो लेता हूँ. ये एक इन्वेस्टमेंट समझ के जो है वो मैं इन्वेस्ट करता हूँ फ्यूचर के लिए. तो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. इफ यू लाइक दिस ब्लॉग फॉर व्हाट सो एवर रीजन सब्सक्राइब, अगर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना. सी यू ऑन अनदर ब्लॉग. स्टे सेफ.